लिवर सिस्टम में आपको स्टेट लेवल कबड्डी 2022 देखने को मिल रही है, जो कि फाइव डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में कबड्डी चैंपियनशिप हो रही है। तो आखिरकार कबड्डी के विधानसभा में शुरू होने वाला सोलन ने पहली रेड करने का फैसला लिया है। सोलन की ओर से लेफ्ट रेडर बहुत बढ़िया रेड इन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में जहां बहुत बड़ा उलट फेर इन्होंने किया था, साईं और सर बिलासपुर को हराया था। धर्मशाला को क्षमा चाहता हूँ, धर्मशाला के खाते में वापसी करेगी, लेकिन देखने को मिल रहा है मंडी और सोलन के बीच में ये फाइनल मुकाबला चला, जो कि पांवटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में कबड्डी हिमाचल की तरफ से खेलते हैं। हिमाचल एक छोटा सा राज्य है यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो है जन्म लेते हैं, बड़े बड़े बनते हुए हमने देखे हैं। और इस तरीके से सोलन ने एक बोनस पॉइंट सोलन के खाते में है 1-2 इन फेवर ऑफ सोलन। सोलन की तरफ से 25 नंबर की जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी, लेकिन शायद मंडी की तरफ से 4 नंबर की खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर पे, और वहां पर अटेम्प्ट हो गई थी काफी समय तक के लिए, आपकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ गई। चैन टैकल सोलन की स्टार खिलाड़ी रेड करती हुई, उस मैच में बहुत प्रभावित किया था इन्होंने, जो कि साईं होस्टल धर्मशाला के साथ जो खेला था इन्होंने। बोनस किया है इनका लंबा, इनको फायदा देता है बोनस करने में, क्योंकि रीच आपकी लंबी हो जाती है जब आपका कद बड़ा है, आप आसानी से बोनस कर सकते हैं। और वहां दूसरी तरफ से एंगल बहुत फुर्तीली है खिलाड़ी सोलन की तरफ से, और फिर से बोनस अटेम्प्ट लास्ट चांस है खिलाड़ी के द्वारा, और बोनस ले भी लिया। बहुत शानदार स्किल्स करने को, बोनस के जो नियम है आज की डेट में तो बच्चा बच्चा जानता है कि बोनस कैसे वैलिड होता है। जब आप बोनस का अटेम्प्ट करते हैं तो एक जो पाव है वो लाइन के दूसरी तरफ और उसी समय ठीक जो है दूसरा पाव आपका हवा में होना चाहिए। करने का प्रयास बहुत एडवांस टैकल था ये, क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त मंडी की तरफ से उनकी राइट रेडर रेड करती हुई। दस नंबर के खिलाड़ी मुनासिब समझा, किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लिया, और वहां पर तो अच्छा हुआ कि चैन छोड़ दी, नहीं तो एक नहीं 2 पॉइंट होते, 2 पॉइंट आपने गंवाए होते, क्योंकि आपने बहुत एडवांस टैकल का प्रयास किया था। इस समय मैच का पहला हाफ चलता हुआ, 10 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट की तरफ से करने का सुरक्षित वापस अपने। सोलन की 28 नंबर की खिलाड़ी बहुत चुस्त फुर्तीली है,
और बढ़िया वहां पर बहुत शानदार स्किल्स का इस्तेमाल, पहले टच किया उसके बाद लंबी डाइव लगाकर लोबी का इस्तेमाल करते हुए एक और खिलाड़ी जो कि डैश करने आया था उसको भी लेकर, या तो आपको पॉइंट देना होगा या पॉइंट ले जाना होगा। सोलन ने बहुत प्रभावित किया है, किसी ने सोचा नहीं था कि गर्ल्स में, हाँ बॉयज सेक्शन में होती है, और वहाँ टेबल होगा क्योंकि मात्र तीन खिलाड़ी जो है कोर्ट में मौजूद थे। सुपर टेकल का नियम साफ है, दो यदि एक खिलाड़ी मैदान के अंदर हो और रहे तो दो अंक मिलते हैं, हालांकि रिवाइवल एक ही का होता है, रिवाइवल एक ही खिलाड़ी होता है। और ये चैनलों के माध्यम से एक देश दिनेश चैनल को आप फेसबुक पर जो है उनको फॉलो करके मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, अपने घर पे बैठ के जो है मैच देख सकते हैं। लाइव टाइम टीवी भी हमारे भाई सतीश जी ने हमें जानकारी कर रहा है इन मैचों का। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और इतनी वास्ट हो चुकी है कि आप जहां भी पहुंचेगा, पहुंचना भी चाहिए, विकास की कोई सीमाएं नहीं होती, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। सोलन की तरफ से लेफ्ट रेडर बहुत शानदार स्किल्स है, इनके पास फुर्ती भी है, खिलाड़ी तनवी इस वक्त रेड पर है, 28 नंबर के जब से इस वक्त जो रेड कर रही है सोलन की ओर से तनवी। सोलन ने पूरी टीम एज ए यूनिट खेली है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस मैच में। अच्छा यहाँ पर भी बहुत लंबे करता है, हाइट का फायदा ये रहता है कि आपने इससे पहले रेड में देखा होगा कैसे रेडर ने बट लाइन के पीछे से बॉलर के पीछे वाले डिफेंडर को छू करके वहीं से सेंटर लाइन का जो थ्रस्ट था जरा सा लेट करके वो सेंटर लाइन को क्रॉस कर गए थे। यही आजकल सेलेक्टर देखते हैं ताकि उसके बाद रास्ता हो, फिर जो अच्छा कोच होता है जिसको की जोहरी बोलते हैं तो वही बढ़िया करा सकता है, लेकिन ये भी एक एडवांटेज रहता है लाइटवेट का भी। बहुत बढ़िया कबड्डी यहाँ पर चलती हुई अभी नंबर कोर्ट पर कांटे की टक्कर चली हुई है सोलन और मंडी के बीच में, जो कि स्टेट लेवल चैंपियनशिप कबड्डी का मुकाबला आपको देखने को मिला, जो कि पाउंटा साहिब और हिमाचल प्रदेश में ये कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा है। और एक और अंक दिया यहाँ पर, ये देख लीजिए कितना सपोर्ट आया है, 12 का स्कोर सोलन के पक्ष में। जसप्रीत फिर से खिलाड़ी, ये डिफेंस सबसे मजबूत माना जाता है, 10 मंडी के पक्ष में आया था अंक तो 10 12 का स्कोर। इस पर क्रेडिट पर मनीषा मंडी की ओर से, दोनों टीमों में जो खिलाड़ी है वो काफी अच्छे स्टेपिंग है जिस तरह के, और उसके साथ साथ इनके स्किल देख लीजिए, इनके शार्पनेस, इनका मोमेंट देख लीजिए, कितना बढ़िया अपने आप यहाँ से संभाला, काउंटर टू पॉइंट सुलन के घर पे दो 14-10 चार अंकों की बढ़त। दूसरे खिलाड़ी को तो मैं कहूंगा कि उन्होंने अंक गिफ्ट किया, क्योंकि एक खिलाड़ी ने भी गलती कर दी कि एंकल पकड़ने के लिए गए और उनको भी ठीक से एंकल नहीं मिला और एक और पॉइंट जो है गिफ्ट कर दिया। मोहन जी कबड्डी की गेम अब केवल फिजिकल नहीं रह गई है, कोई गेम कह दीजिए, यहाँ पर 40 नंबर की खिलाड़ी थी अंकिता, मेंटल गेम भी हो गया है, प्रेशर कैसे टैकल करना है, क्लेवरनेस कैसे शो करनी है, किस तरह से आपने मोमेंटम। और ये देख लीजिए कॉम्बिनेशन लगता था कि मतलब हो गई थी दोनों डिफेंडर के बीच में कॉर्नर्स के बीच में कि अभी मोमेंटम बनेगा, नहीं तो इतना एडवांस टैकल कर पाने की हिम्मत
एक जोखिम भरा रहता है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन टैकल। बहुत ही बढ़िया कबड्डी का प्रदर्शन यहाँ पर स्कोलन की ओर से। रिवॉक लाइन के आगे किया था ये टैकल, लेकिन शायद जरूर आंखों आंखों में ये, क्योंकि अभी ये खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होकर आई है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि टीम थोड़ी सी पिछड़ भी रही है। कबड्डी का गेम है, किसी भी क्षण पलट सकता है। अभी जो ये 12-20-10 का पक्ष में एक छोटी सी गलती भी टीम को पीछे ले जा सकती है, और एक छोटा सा मनोबल उन्हें एनर्जाइज करके इन्हें वापस फाइट में ला सकती है। होना भी चाहिए, फाइनल मुकाबला है, अगर मुकाबला एक तरफा हो गया तो दर्शकों को मजा नहीं आएगा। दोनों अच्छी टीमें हैं, जरूर वापसी करेगी मंडी की टीम। फाइनल तक पहुंची है, पहले भी इन्होंने कि एक अच्छी वापसी के साथ जो है पूरा कॉम्पिटिशन देगी। इस वक्त मीना रेड पर है, 4 नंबर के किट की मंडी के लिए बॉनस के लिए गई थी। बॉनस का कैंप किया वहां पर ब्रेक कब्जाई के साथ रहता है उस समय जब की ओर से, और विरोधी टीम की जो कमियां हैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, अपने स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब स्ट्रेटेजी खिलाड़ियों पर समझाई जाती है। और यहाँ पर जो गलतियां कर रहे हैं मंडी के लिए, वो गलतियां साफ झलक रही है। लोबी में खड़ा कर दिया था शायद, या फिर उनका टच लगा था या सेल्फ आउट हुए थे। बिल्कुल 2 अंक दिए गए हैं, स्कोर 23 हो चुका है। थोड़ा बेहतर खेलना होगा मंडी की टीम को, अगर लगता नहीं है 16 अंक। हाफ टाइम चेंज द गोट में अगर हम बात करें तो 24 सोलन एंड मंडी 12। और मैं अब तक हिमाचल जो कि स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का ये फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिला, जो कि मंडी और सोलन के बीच में ये फाइनल कबड्डी का मैच हो रहा है पाउंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से आप इन मैचों का लुत्फ और ये देख लीजिए, लंबे नहीं लगा था उसमें, शायद डिफेंस ने स्टेप अपना खो दिया था, रॉन्ग फुट पर उन्हें पकड़ लिया था। इस वक्त सुपर टैकल का चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सोलन ज्यादा जोखिम लेगा। और ये देखिए डिफेंस का बिल्कुल सेम लगा रही है, डिफेंस इस वक्त अच्छा नहीं खेला, अटेम्प्ट जो कि असिसिनेटिंग एफर्ट्स होता है, आप मारते हैं उस तरह का प्रयास कर रहे हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। हेलो, फर्स्ट काम भागवाइज सेक्शन मैच साई लास्टवन वर्सेस सोलन। यहाँ पर हमारे जो प्रेस के मीडिया के जो निरंजन ठाकुर हेमवंती से हैं, प्रीति चौहान सिटी न्यूज से हैं, और जन आस्था अमर उजाला के सुरेश तोमर जी ये भी यहाँ पर कवरेज दे रहे हैं। मैं इनका भी खेल प्रेमियों की ओर से कबड्डी एसोसिएशन के ओर से हार्दिक अभिनंदन देख लीजिए। वहां पर ये 22 नंबर के खिलाड़ी अच्छा स्टेप किया, संजय कंवर जी को ये है एडजस्ट करवा देते हैं, लेकिन अपना काम भी करते हैं। संजय कंवर जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, सभी मीडिया कर्मियों का दिल की गहराई से स्वागत। इस वक्त रेड पर सोलन की ओर से चंद्री देख लीजिए, एडवांस से अधिक किया 3.5 सुपर रेड कहा गया है। और ये देख लीजिए सेंटर कोर्ट से फुटबॉल कितना संभालना होता, वहाँ लोअर किक से कितना बढ़िया निकाला है खिलाड़ी ने, ऐसे ही खेलना होगा इस टीम में, बनौल बने रहना है। जो कि अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के और सांसद है हमारे वही सर जो फाइनल मैच रहेगा वो स्टेट हॉस्टल और सुबह के मध्य उनके समक्ष करवाया जाएगा। तो उस मैच को देखने के लिए उतना लेगी यहाँ पर और ये देख कितना अच्छा एंकल दिया है यहाँ पर सोलन के खिलाड़ी ने बाहर जाना पड़ेगा मंडी के लंबे करके खिलाड़ी शबन को बाहर बैठना पड़ेगा। और ये देख लीजिए कितना होगा मंडी की ओर से इसको क्रेक पर ऑल आउट मंडी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी को भी टैकल किया था लेकिन दूसरी खिलाड़ी बिल्कुल तैयार थे रेड लेने के लिए शायद। और ये देखिए प्रैक्टिस इनके स्किल्स इतने बढ़िया है कि कितना ही शार्प जो एप्पल हो वो भी ऐसा लगता है कि बड़े सहजता से ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बढ़िया सेट हुई है कितना बढ़िया ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल की तरह मैगनेट की तरह जैसे ही और अंदर अगर आप देख रहे हो कि दोनों टीमों के डिफेंस में जहां पर की सोलन को जहां रेड पर कैच कर रहा है मंडी के खिलाड़ी आउटडोर मूवमेंट पर आ रहे हैं। अंदर आकर के जब सेंटर लाइन की तरफ जा रहा है उस वक्त वो अटेम्प्ट हो रहा है और ऐसे मोमेंटम में रेडर को रोक पाना। अगर हम स्कोर की बात करें तो 42 सोलन एंड 16 मंडी के खाते में काफी अच्छे अंकों से लीड बनाई हुई है सोलन की टीम ने। 48-16 लेकिन अगर सामने से अटैक आ जाए तो उसके बचाव के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और ये देख लीजिए है मंडी नहीं कर पा रहे हैं तो मौजूद रेड पर मंडी की 7 नंबर की खिलाड़ी मलिशा लंबे करके खिलाड़ी जरूर है। देखना है कि ये अंक जुटा पाती तो सीधे गोली में जाते हैं पर आते हुए मोमेंट को हम कर दिया क्योंकि ये भी आगे बढ़ गए थे वहां पर रिएक्शन टाइम को बिल्कुल हटा दिया था कम कर दिया था हमको हाफ कर दिया था। ये देखिए कि ये भी इसी तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे मंडी की ओर से इस पर रेड पर खिलाड़ी शगन लेकिन सोलन की कबड्डी इससे पहले बॉयज सेक्टर में बॉयज सेक्शन में बहुत जानी मानी जाती थी सोलन और बीवीएन दो टीमें एक टीम में एडजस्ट नहीं हो पाते थे बहुत बढ़िया तो कितना शार्प शॉट चाहिए कि अगला समझ भी ना पाए। लास्ट वन टू प्ले लास्ट 1 मिनट इस बात पर अच्छा बताए अपने आप को वहां पर अपने समापन की और तैयारी कर ली जाए। बॉयज सेक्शन में जो फाइनल मैच होना है हॉस्टल बिलासपुर वर्सेस सोलन एक बार फिर से सोलन फाइनल में बधाई सोलन को भी दोनों टीमें फाइनल खेली और एक टीम तो लगभग इस वक्त बिल्कुल जीत के कारण पर क्यों ना जीते देख लीजिए और यहाँ पे सोलन की टीम विनर रही।